गुरुवार सुबह जब प्रदीप सिंह अपनी दुकान खोलकर दुकान में सफाई कर रहा था तो तीन मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए कुल 6 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इसमें डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की मौत हो गई। 2015 के बरगाड़ी बेअदबी मामले की घटनाओं में जमानत पर चल रहे डेरा सच्चा सौदा सिरसा के अनुयायी प्रदीप कुमार उर्फ राजू की गुरुवार सुबह गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। घटना के समय प्रदीप कुमार अपनी दुकान पर पहुंचे थे कि पहले से ही ताक में घूम रहे तीन मोटरसाइकिलों पर सवार 6 अज्ञात हमलावरों में से एक दुकान में घुसा और रिवाल्वर से प्रदीप कुमार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसके बाद बाकी हमलावरों ने प्रदीप कुमार की सुरक्षा में तैनात होमगार्ड जवान हाकम सिंह पर गोलियां दाग दी और वहां से फरार होते समय उसके एक पड़ोसी दुकानदार व पूर्व पार्षद अमर सिंह वेर्दी पर भी फायरिंग की। गंभीर रूप से घायल सुरक्षाकर्मी व पड़ोसी दुकानदार को फरीदकोट के गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल करवाया गया। वहीं दोनों की हालत स्थिर बनी हुई थी। इस मामले में थाना सिटी कोटकपुरा में मृतक प्रदीप कुमार की पत्नी के बयान पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या इरादा कत्ल की धाराओं के तहत केस दर्ज। देखो जी बारे तो शासन प्रशासन लग्या हो जे लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसियाँ उ दसनगियाँ लेकिन जेडे मैं इतने इंश्योर कर रहा कि जेडे जख्मी ने उन्हों का इलाज सर कितने ना कितने इस बेअदबी मामले नाल जोड़ के देखा जा रहा क्योंकि लगातार जेडे सिख आगू से इंसाफ की मांग कर रहे थे पर इंसाफ ना मिलने करके कितने ना कितने सरकार प्रति भी उन्होंने रोस ये बारे सही जी जानकारी आने से ही जीडिया लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी वो दसनगियाँ ये तो डिपार्टमेंट ही दसेगा जी लेकिन मैं इतने मैं भी इन्हों इलाज प्रॉपरली हो जाए जी जख्मी है मैं एक
सरकार बदलूगी सब बदल जाए कोई भी नहीं बदलने बाद क्या सारा एक बदलिया ठीक है क्या मैं खड़ा सी ठीक है वो मोटरसाइकिल ते मैं तो डाके दा बस इस दुकान से लगनी हजे आए इसी दुकान ते हाँ दुकान से दुकान खोली जाते अंदर गाहक सब जाते हाँ जी एक दम आए बुखार फैर कर किन्ने बंद ड्यूटी लगी हुई है भर्ती भर्ती हर तीन बंद इस वे कले हाँ दूजा बंदा बाथरूम गया से ना है से। सर बिल्कुल जो घटनाक्रम किस तरह वापर कोई दस सकते इस बारे देखो जी बारे तो मैं शासन प्रशासन लग्या होया सानू जे लॉ ऑर्डर की एजेंसियां वो भी दसनगियां लेकिन जेडे मैं इतने इंश्योर कर रहा कि जेडे जख्मी ने उन्हों का इलाज सर कितने ना कितने बेअदबी मामले नाल जोड़ के देखा जा रहा क्योंकि डिपार्टमेंट ही दसेगा जी लेकिन मैं इतने मैं भी इन्हों का इलाज प्रॉपरली हो जाए जो जख्मी है मैं एक
देखिए, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है आज फायरिंग का, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और साथ में तीन लोग घायलों की सूचना है। इसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास हाथ में आए हैं। जिड़े जिस व्यक्ति की डेथ हुई उनके साथ सुरक्षाकर्मी थे, उसने रिटेलिएट भी किया है, ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं। और हमें कुछ लीड्स मिले हैं, उससे हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी हमलावर थे उनको हम जल्दी पकड़ेंगे। तीन लोग की जख्मी की है और एक घायल, एक की डेथ की सूचना है। श्री प्रदीप सिंह दुतिया जी ने, हाँ जी, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। हम जल्दी, क्योंकि सीसी फुटेज मिली है, मैं वही मौके पे पहुंच रहा हूँ। हम लोग जल्दी पहले हम लोगों को पकड़ेंगे और सिचुएशन अंडर पीसफुल है। अभी पोस्टमार्टम अभी हम लोग करा रहे हैं, एग्जैक्ट चीज़ें हम आपको उसके बाद देखते हैं।